डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 28 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला है ये निशिया ने 13 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीता है और ये स्कोट बोर्डिंग में जापान की रहने वाली है। जापान की मोमीजी निशिया ने पहला ओलंपिक खेलते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इसके बाद रजत पदक ब्राज़ील की रेस लीला को मिला है जो कि यह भी 13 वर्ष की है और कांस्य पदक जापान की 16 वर्षीय फुनान कायमा को मिला है। नेक्स्ट है ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं माटो वाइरा। लगातार 5 ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड बनाने वाली ब्राज़ील की महिला फुटबॉल खिलाड़ी माटो वाइरा द सिल्वा ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनका नाम सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों के तौर पर दर्ज है और वह अपने देश के लिए अब तक कुल 111 गोल कर चुकी हैं। और इसके अलावा इन्होंने टोक्यो खेलों का आधिकारिक उद्घाटन भी इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट है 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से विद्यालयों, आवासीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल उपलब्ध कराना शुरू की गई है और इस योजना में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी लक्ष्य को हासिल कर लिया है। बिहार ने करीब 90% शुद्ध जल पहुंचाया है और वहीं उत्तर प्रदेश 1 लाख से अधिक स्कूलों में नल से जल आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस अभियान के तहत 10 महीने से भी कम समय में देश ने 6,85,000 यानी 66% स्कूलों और 6,80,000 यानी 60% आंगनबाड़ी केंद्रों में नल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। नेक्स्ट है ये बायजूज ने 4,466 करोड़ रुपए में ये ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजूज ने 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में 4,466 करोड़ रुपए में ये सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण कर लिया है और ये इसकी अधिग्रहण करने की इसने घोषणा की है। नेक्स्ट है 2DG के लिए ये DRDO से लाइसेंस समझौता किया है BDR फार्मा ने और BDR फार्मा ने कहा है कि उसने देश में COVID-19 की दवा डीऑक्सीग्लूकोज यानी 2DG के निर्माण व वितरण के लिए DRDO के साथ लाइसेंस का समझौता किया है। BDR फार्मा ने 2DG निर्माण वितरण और विपणन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी DRDE और रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान DRDO के परमाणु चिकित्सा व संबंध विज्ञान संस्थान INMS के साथ इसने समझौता किया है। नेक्स्ट है विजय माल्या हाल ही में ये दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है और इससे भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों की समूह के लिए बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर ये जो बकाया कर्ज है उसके वसूली को लेकर वैश्विक स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो गया है। नेक्स्ट है गगनयान का पहला मानव रहित अभियान दिसंबर में संभव नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने कहा है कि मानव को चंद्रमा पर भेजने के उसके गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर पहले मानव रहित अभियान की शुरुआत दिसंबर में नहीं हो सकेगी। इसरो के अनुसार COVID-19 की वजह से हार्डवेयर की आपूर्ति बाधित होने से भी इस अभियान में देरी होगी और यह अभियान अब अगले वर्ष ही संभव हो पाएगा। ये इसरो के बंगलुरु स्थित मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों में लगी पूर्ण पाबंदी के चलते हार्डवेयर की आपूर्ति प्रभावित हुई है और जिसके वजह से इस अभियान में देरी हुई है। गगनयान का उद्देश्य चालक दल के 3 लोगों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाना, अंतरिक्ष के लिए निर्धारित अनेक गतिविधियों को अंजाम देना और उन्हें पृथ्वी में पूर्व निर्धारित क्षेत्र में ये सुरक्षित वापस लाना है।
मानव रहित दूसरा अभियान 2022 से 23 में हो सकता है और इसी बीच चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अभियान का प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है, जिसमें मानसिक मनोवैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 21 और स्मारकों को ये हाल ही में राष्ट्रीय महत्व के स्थल में शामिल किया जाएगा। देश की राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को चिन्हित करने और उनके संरक्षण में लगातार जुटी केंद्र सरकार ने 21 और स्थलों और स्मारकों को इस सूची में शामिल करने के लिए चुना है। और इसमें उत्तर प्रदेश के चार स्थल हैं, ये लखनऊ का नक्कर खाना, चित्रकूट के गणेश बाग स्थित पुरातात्विक स्थल तालाब हेदी और बावड़ी, बस्ती जिले के सिसवनिया स्थित पुरातात्विक स्थल और आगरा के फतेहपुर सिकरी स्थित चित्रकारी समूह और स्मारक इसमें शामिल हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भी इसमें चार स्थलों और स्मारकों का चयन किया गया है, जिसमें लेह के रदनांग का शिलाकला स्थित स्थल मुर्गी सस्पोल, न्यारमा की प्राचीन बौद्ध संस्थान अवशेष और पवित्र झील के चारों ओर संलग्न अवशेष और त्रिशूर स्तूप शामिल हैं। उसके बाद इसमें झारखंड के गुमला जिले के दो ईटानगर स्थित मृदभांड ईंटों का मंदिर और हजारीबाग जिले के आइस्को स्थित शिला चित्रकारी को भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव संयूराकट स्थित ये प्राचीन कला केंद्रीय संरक्षित स्मारक कुबेर मंदिर के साथ स्थित चार मंदिर भी चयनित किए गए हैं। और फिर हरियाणा के राखी गढ़ी स्थित प्राचीन टीला 6 और 7 को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जैसलमेर स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर भी इसमें शामिल है। मौजूदा समय में देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 3700 स्थल शामिल हैं। दरअसल ये देश भर में एक मुहिम के तहत बिखरे पुरातात्विक महत्व के स्थलों और स्मारकों का पता लगाने का काम लगातार चल रहा है और उसी में इन 21 स्थलों को फिर से शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुआ है हाल ही में। गुजरात के कच्छ में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है। और गुजरात में इसके अलावा ये चंपानेर, रानी की वाव और अहमदाबाद ये दोनों पहले से ही इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है, नल के जरिए हर घर शुद्ध जल की 24/7 आपूर्ति करने वाला ये देश का पहला शहर पुरी बन गया है। पुरी ओडिशा 100% घरों तक नल की शुद्ध पानी पीने की ये 24/7 आपूर्ति के लक्ष्य को हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, 1 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य ये महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक हो गया है और यह महाराष्ट्र यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान को घटाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है और इसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.5 रहने की संभावना जताई है।